हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पब्लिक पैलेस पर पोस्टर लगाकर किसी का अपमान करना किस धारा के तहत अपराध होगा। दोस्तों, पब्लिक प्लेस पर कई प्रकार के विज्ञापन और पोस्टर प्रकाशित किए जाते हैं। कई बार इनमें किसी व्यक्ति या प्रोडक्ट को अपमानित किया जाता है। कई बार ऐसे लोगों को पता नहीं होता है कि यह प्रक्रिया अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है बल्कि मानहानि का अपराध है। आइए जानते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ किस कानून के तहत कार्यवाही जो है वो की जाएगी। दोस्तों, इससे पहले हमें यहाँ पर डेफिनेशन को समझना बहुत ज़रूरी है कि सेक्शन 501 एवं 502 क्या है। धारा 501 कहती है, जो कोई व्यक्ति ऐसी बातों को सार्वजनिक तौर पर प्रकाशित करेगा जिससे व्यक्ति के मान सम्मान को ठेस पहुंचती है, तब यह मानहानि का अपराध होगा। जैसे कि दीवार या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर आपत्तिजनक टिप्पणी लिखना आदि। अब दोस्तों, धारा 502 क्या कहती है? जो कोई व्यक्ति ऐसी सामग्री का विज्ञापन छापेगा या बेचेगा या दीवारों पर चिपकाएगा या समाचार पत्र या न्यूज़ चैनलों के माध्यम से मानहानिकारक सामग्री को बेचेगा, तब यह धारा 502 के अंतर्गत मानहानि का जो है अपराध होगा। कुल मिलाकर दोनों धारा मानहानिकारक बातें एवं सामग्री को जानबूझकर सार्वजनिक करने वाले व्यक्ति को दोषी मानती हैं। वर्तमान समय में बहुत से न्यूज वेबसाइट या न्यूज चैनल या फिर समाचार पत्रों या सार्वजनिक दीवारों या बसों में ऐसे विज्ञापन देखने को मिलते हैं। आशा है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो से रिलेटेड आपका किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। RTI से संबंधित इस बुक को खरीदने के लिए आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर मैसेज करके इस बुक को मंगा सकते हैं।